हमारे सफर का आगाज होता है कराची कैंट से टू पिशावर के लिए। आखिरकार 2 घंटे की ताखीर के बाद ट्रेन कैंट स्टेशन से रवाना हो चुकी है। हमारा सफर कराची से ही 2 घंटे लेट था और अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि तकरीबन गाड़ी कितनी लेट पहुँची है और काली घटाया हमारे साथ कराची से ही रवाना दवाना थी। यह है कराची मलीर का एरिया। अब हमारी ट्रेन लांडी स्टेशन पे रुकने वाली है। यह है ट्रेन के अंदर के मनाजिर। काफ़ी देर बैठने के बाद आखिरकार हमने सोचा कि कुछ टेक ही लगा ली जाए। इस वक्त ट्रेन एक दरिया के ऊपर से गुजर रही है जो कि बारिशों की वजह से भरी हुई है। यह हैदराबाद से पहुंचने के पहले के मंजर। ट्रैक पे चारों तरफ पानी ही पानी है। ट्रेन को पानी में से गुजरना पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं, आपको पटरियां, ट्रेन की पटरियां नज़र नहीं आ रही होगी और ट्रेन इंतहाई स्लो स्पीड में इस पे चल रही है। तकरीबन पूरे सिंध का यही हाल था और इन पानी की वजह से सिंध भरने में बहुत ताखिर का सामना करना पड़ा ट्रेनों को और 18-18, 20-20 घंटे से ज़्यादा टाइम ट्रेनें लेट थी हमारी। आप आगे भी पानी देख सकते हैं, ट्रैक पर भी पानी देख सकते हैं और उसमें हमारी ट्रेन रवा दवा है। इसको देख के आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि पाकिस्तान में बारिशों के क्या हालात होंगे और ट्रेनों की ताखिर की वजह भी आपको मालूम हो चुकी होगी। ट्रेन की बर्थ पे आराम फरमाते हुए पंजाब से गुजरते हुए एक बहुत बड़ी मिल हमारे सामने आई। हमने सोचा क्यों ना इसे आपके लिए कैमरे की आंख में कैद किया जाए और आपको ये मनाज़र दिखाया जाए। पूरी रात 20-30 की स्पीड पे चलने के बाद आखिरकार पंजाब में पहुंचते साथ ही ट्रेन ने स्पीड पकड़ी और हम तकरीबन 15 से 16 घंटे सिंध में लेट हो चुके हैं। ये मंज़र है लावरपिंडी स्टेशन के, जो कि तकरीबन 18 घंटे लेट होने के बाद हमारी ट्रेन लावरपिंडी के स्टेशन पहुंची है। चालीस मिनट स्टॉप करने के बाद गाड़ी आखिरकार लावरपिंडी से रवाना हो चुकी है आगे टेक्सला और अटक की तरफ। यह है सुबह 6 बजे के मनाजिर, जो कि ट्रेन टेक्सला से होते हुए अटक की जानिब जा रही है। यहाँ की हरियाली और खूबसूरती का अंदाज़ा आप लगा ही सकते होगे कि कितना हरा भरा इलाका है।
अटक से रवानगी के बाद एक खूबसूरत दरिया हमारे सामने आया, जिसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे और एक खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। सुबह के तकरीबन 6:30-7 बजे का टाइम है। आप यहाँ की खूबसूरती खुद देख सकते कि इंतहाई खूबसूरत व्यू और इंतहाई खूबसूरत माहौल है यहाँ का। पाकिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब की वजह से हमारी ट्रेन तकरीबन पूरे 20 घंटे लेट हो चुकी है, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा रात और एक एक्स्ट्रा दिन हमने ट्रेन के अंदर गुजारी। तो आखिरकार 20 घंटे की ताखीर के बाद हम अपनी मंजिल पे पहुंच ही गए और आगे की तरफ रवाना हुए। यह था हमारा कराची से लेकर पिशावर तक का सफ़र। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।